यूपी की योगी सरकार विधानसभा में बजट की पेश करती दिखी है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,36,437,71,00,000 रुपए का बजट पेश किया है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई है। राजकोषीय घाटे की बात कर ले 3.40% है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपए महीने पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के 400 करोड़ रुपए का प्रावधान के, ये पिछली बार से लगभग दोगुना के। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2,058 करोड़ का बजट आवंटित है। यूपी के मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है यूपी में, और ये नई योजना के इसके लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया। प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उपदेश से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो 2023 से संचालित है में अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सूक्ष्म उद्यमियों को दिए जाने की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में 10 पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग वित्तीय वर्ष 2024-25 में उस वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश में टेक्सटाइल के नए हब बनाकर निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावर लूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है। ये पार्क टेक्सटाइल एवं परिधान क्षेत्र में 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा। पार्क की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ब्याज उत्पादन की सुविधा 3 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 14 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग विकास तथा सतत रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 15 करोड़ 75 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क्स विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने का लक्ष्य था। नीति को अधिक युक्त संगत बनाते हुए 8 डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया गया तथा लगभग 3 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने तथा राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के 210 संभावित निवेशकों से लगभग 3867 करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 2.15 लाख व्यक्तियों के हेतु रोजगार संभावनाओं युक्त अभिरुचियां प्राप्त हुई हैं। बेसिक शिक्षा छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म स्वेटर स्कूल बैग जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में स्थानांतरित की जा रही है। यूपी बजट की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। 7,36,437,71,00,000 रुपए का ये बजट पेश किया गया है। अब इसमें आपको ये बता दें कि 24,000 करोड़ रुपए की कुल नई योजनाएं हैं जो लाई गई हैं। वहीं आपको बता दें सबसे खास बात वो ये है कि 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपए हर महीने की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा बेसहारा पशुओं के लिए
आश्रय स्थल के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं तो यहां पर 258 करोड़ का बजट इसके लिए है। यूपी में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है, 50 करोड़ का इसके लिए अलग से बजट होगा। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्टेट हाईवे के लिए चौड़ीकरण के लिए 2881 करोड़ रुपए, धर्मार्थ हाईवे के लिए 1750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो यूपी के बजट की ये है बड़ी बातें।